क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इसमें बताया गया एन ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू अ सर्किट कंटेनिंग इन सीरीज 10 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 ओम रेजिस्टर. है ना, कहने का मतलब यह है कि एक एलआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है. है ना, बैटरी जो है वो दिया गया है 20 वोल्ट का, इंडक्टर दिया गया है 10 मिली हेनरी का और रेजिस्टर है 5 ओम का. है ना, कहा गया द रेशियो ऑफ द करेंट्स एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एट टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड इज क्लोज टू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो है सेचुरेशन आ जाता है, करंट मैक्सिमम होता है. है ना, तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर का जब चार्जिंग होता है इसमें करंट का ग्रोथ होता है, तो इक्वेशन हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, ये इक्वेशन आता है. इसमें आई नॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट करंट, मतलब कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो करंट फ्लो करता है वो. हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए कहा गया कि ये आई नॉट डिवाइडेड बाई आई, ये आई वो है जब टाइम का वैल्यू हम लोग रखेंगे 40 सेकेंड. है ना, 40 सेकेंड पर करंट ये आई होगा और ये जो आई नॉट होता है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होता है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है. तो यहाँ पर ये रेशियो पूछा गया है, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल. है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर माइनस आर, रेजिस्टेंस देखेंगे 5 ओम दिया गया है, टाइम 40 सेकेंड दिया गया है और जो इंडक्टेंस है वो दिया गया 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 हेनरी. है ना, हेनरी ऐसा यूनिट होता है तो उसमें हमने रख दिया. तो ये कितना आएगा ये देखेंगे, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर माइनस 20,000, ये आ गया. तो इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 10,000, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, अब ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में 7.389. है ना, तो ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 7.389 जब आप रखेंगे तो ये जो वैल्यू आता है आई नॉट बाई आई, ये बिल्कुल 1 के पास में आता है, मतलब 1.00000 ऐसे कुछ 1 करके आगे आएगा. है ना, तो ये 1 के बहुत पास में है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1. है ना, अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 1 के पास में, सबसे 1 के पास में ये वाला आंसर दिया हुआ है 1.06. है ना, लेकिन जो एनटीए का आंसर था वो ये दिया गया है 1.15. है ना, जबकि एनटीए का ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यूज करते हैं ना यहाँ पर, तो उससे आंसर सही तरीके से देखा जाए तो ये आंसर आना चाहिए. है ना, तो हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है ये है 1. है ना, ये होना चाहिए.